भाई, अरे भाई साहब, ये हमारे बाइक्स फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं हम। तो यहाँ पे अम्बोली घाट में थोड़ा सा रुके थे, तो यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक कर लिया। हाँ, तो अभी यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक कर लेंगे। यहाँ से अभी सावंतवाड़ी होगा 30 किलोमीटर, तो घाट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ तक अक्षय नहीं चला है, अभी यहाँ से मैं चलाने वाला हूँ। तो चलिए लेट्स गो, मजे लेते हैं सफर का। And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, hey, you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. तो ये आ चुके हैं हम। वेलकम टू सिंधुदुर्ग। सावंतवाड़ी 36 है, पंजी है 96। Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. ये देख सकते हो, जूम जूम, आइए मजा। बहुत सारे ग्रुप, तो एक्चुअली इंडिया बाइक वीक 2nd और 3rd दिसंबर को होने वाला है गोवा में, यानी के कल और परसों, इसलिए ऑल इंडिया से बाइकर्स जो है वो आते हैं गोवा में। तो उसी सिलसिले में हमने भी राइड निकाली है एंड हम चल रहे हैं। तो आप वही सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सारी बाइक्स इतने कल से क्यों दिख रही है, तो वही रीज़न है, ऑल इंडिया से दिल्ली, पंजाब, केरला, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, अलग अलग सिटी के सारे जो राइडर्स है वो आते हैं IBW के लिए। तो हम इन्हें ही ज्वाइन करेंगे एंड इनके साथ ही निकलेंगे हम। IAS ये राजू भाई उनके साथ भगा रहे हैं मस्त। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, आई थिंक घाट आ चुका है। भाई, अरे भाई साहब, भाई व्यू देख। यू का अभी यूटर्न लेके आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ। पहले गाइस ये व्यू देखा, देखो यार ये व्यू देख भाई, मतलब उससे बढ़िया मैं अभी तक कुछ देखा ही नहीं। क्या ही तो व्यू है। अरे इधर रुका है ये, मान लीजिए बंदर भी यहाँ पे। अबे गाइस ये व्यू देखो यार, भाई साहब यहाँ पे लगा के बाइक हमारी, क्या बात है। एंड स्कूटर वाले जा रहे हैं, जबरदस्त व्यू है यार यहाँ पे।
से मेरी अभी स्टोरी बना रहा है एंड आप व्यू देख सकते हो। तो पूरा का पूरा यहाँ पे व्यू हमारा एंड हम आ चुके हैं वहाँ पे एन एस अपनी डोमिनोर एसडी एंड बहुत सारे यहाँ पे जा रहे हैं राइडर्स एंड आई थिंक घाट यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी हमें वही घाट लग रहा था लेकिन घाट तो ये है अम्बोली घाट पूरा का पूरा। तो चलिए अभी निकलते हैं हम लोग भी फटाफट से यहाँ से निकल रहे हम लोग अभी एंड बाकी सारे लोग अभी जा चुके हैं आगे एंड बहुत सारे ग्रुप्स भी मिले हमें। तो ये घाट है पूरा का पूरा। चलिए मज़ा लेते हैं। बाकी बोल रहे हाँ ना ये बड़ा मौका तो ये है अम्बोली घाट गाइस। तो हमें पहले वही लग रहा था घाट लेकिन वो तो मतलब जस्ट शुरुआत थी। मेन घाट तो ये आया है एंड यहाँ से सुपर बाइक ऐसे चला रहे मास लीन कर कर के तो मज़ा आ जा रहा है। एंड एक्चुअली जो राइडर थे अभी केटीएम वाले तो यहाँ पे भी देख सकते हो ग्रुप, तो उनका एक्चुअली ये एक बूजा पंक्चर हुआ था वो बोल रहे थे कि उसी सिलसिले में पीछे थे। एंड ये व्यू देख सकते हो आप भाई साहब जबरदस्त। तो ये व्यू देख सकते हो खतरनाक बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा एंड मज़ा आ रहा है यार बाइक चलाते हुए। मैंने सुना था अम्बोली घाट बहुत बड़ा है लेकिन भाई इतने मस्त और वो भी सुपर बाइक के साथ इस घाट में वो भी खुद की बाइक राइड करना भाई साहब ये एक ड्रीम ही है जो कि आज मेरा कंप्लीट हो रहा है एंड फुल मज़े कर रहे हैं हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। तो हम तो आराम आराम से जाएंगे। बहुत सारे राइडर्स क्लब ग्रुप हमें मिल रहे हैं पंजाब से यूपी से दिल्ली से बिहार से एंड केरला वाले भी आएंगे गोवा को। तो आज एक तारीख है तो एक तारीख के दोपहर तक हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद शाम को हमारा ग्रुप जो है पुणे से निकल चुके हैं वो आ जाएंगे जैसे कि आपको बोला था मैंने। ओ भाई साहब आराम से ऊपर देख सकते हो हसीन वादिया खुला आसमां। तो ये जंगल एरिया है पूरा। अभी राइडर मैनिया की वजह से यहाँ पे मतलब IBW की वजह से और राइडर मैनिया की वजह से बहुत सारी यहाँ पे ये आई थी बाइक्स वगैरह। तो एक्चुअली राइडर मैनिया भी अभी जस्ट हुआ है 18 नवंबर से स्टार्ट था राइडर मैनिया। तो इसी सिलसिले में रॉयल इनफील्ड के बहुत सारी बाइक्स यहाँ पे थी गोवा में एंड अभी सेकेंड और थर्ड को IBW के लिए सारी जितनी सुपर बाइक्स है स्पोर्ट्स बाइक्स है ऑल इंडिया से वो आ चुकी है। जो जितने भी पास क्लोज वाले फ्रेंड्स है तो वो भी इसमें गोवा में मेरे साथ IBW आने वाले थे तो इसलिए मैंने सोचा भाई ठीक है हमारे फ्रेंड्स भी रहेंगे साथ में तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी हम सोलो या अकेले नहीं रहेंगे। एंड वैसे तो आते आते फिर बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए लेकिन अपने जो क्लोज़ वाले फ्रेंड होते हैं वो तो अपने ही फ्रेंड होते हैं तो वो भी आ चुके हैं इसलिए फिर मैंने बोला कि भाई चलो। और कृष्णा भी अभी पहुंच चुका है होटल पे तो वो हमारा वेट कर रहा है कब से तो कृष्णा को भी मिलेंगे। एंड यहाँ पे बाइक देख सकते हो भाई साहब गजब व्यू देख अक्षय आइए तो मज़ा है मज़ा पूरा। यहाँ पे सारी के सारे सुपर बाइक्स एंड आई थिंक यहाँ पे वाटरफॉल होता होगा तो ये पूरा यहाँ पे आई थिंक वाटरफॉल वगैरह होता होगा ये वो ऊपर देख सकते हो वाटरफॉल है भाई साहब। तो वहाँ पे वाटरफॉल था गाइस यस हाँ। तो गाइस वो था वाटरफॉल अम्बोली का एंड उसके बाद फिर आगे अभी उतरना है हमें। Closing, I keep going on. You keep me fading, and I don't care.
यहाँ पे काम चालू है। यस गोप्रो चालू होगा एंड आई होप सो यार मेरा माइक जो है वो ऑन रहे, ताकि जो भी मेरी फीलिंग्स है, मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप मेरा समझ सको। एंड पानी भी देख सकते हो यार। वहाँ पे रेती है गाइस, तो थोड़ा सा स्किट हो सकता है गाड़ी। अभी तक आंबोली घाट में ही है, बहुत सारे ग्रुप्स लगे रास्ते में एंड यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा नेचर के साथ राइड कर रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि भाई हम कहाँ दूर आ चुके हैं, बहुत दूर, एंड वो भी कोकण साइड में, एंड उससे भी ज़्यादा गोवा साइड में, एंड उससे भी ज़्यादा हम सीधे आ चुके हैं गोवा में। एंड अभी आगे आएगा सावंतवाड़ी, उसके बाद फिर वैगाटोर का वहाँ पे हमारा बीच है। हम केरला गए थे, तो केरला के रास्ते भी लगभग सेम है, ऐसे भी पेड़ वगैरह जंगल वगैरह है, लेकिन केरला में जो है कभी कभी कहीं कहीं जो रास्ते है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, एंड वहाँ के ड्राइवर जो है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहते हैं। ये है आंबोली घाट, तो हमने सुना था, लेकिन सच में बहुत ही बड़ा घाट है, लगभग 10-15 किलोमीटर से हम चले ही आ रहे हैं एंड अभी तक घाट ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ से सावंतवाड़ी 14 किलोमीटर, एंड एक ग्रुप आ चुका है जहाँ पे घाट समाप्त हो चुका है। तो ये गाइस एक गांव आ चुका है, अभी घाट खत्म हो चुका है। पीछे एक टाइगर आ रही है, आई थिंक टाइगर है या BMW है, वो हमें पता नहीं, आई थिंक वो भी सोलो ही राइडर है आई थिंक। यस घाट सेक्शन में ये वहाँ पे रुका हुआ था वाटरफॉल के पास वाले एरिया में, एंड देखते हैं अभी वैगाटोर बीच के पास हमारा होटल है, जहाँ पे कृष्णा ने अक्षय को लोकेशन भेज दिया है, तो लोकेशन चेक करके हम देखेंगे। ये देख सकते हो गाड़ी, हाँ सो गाइस GS 1200। यार मतलब लगता है ना कि लोग इतना पैसा क्यों खर्चा करते हैं गाड़ी में, तो इसी बात का पैसा रहता है। देखा वो बंदा कैसे निकल गया, एकदम इजीली आराम से आपकी गाड़ी निकल जाती है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, लेकिन उस गाड़ी के लिए ये खड्डे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मामूली बात है। मतलब आप सीधे भी स्पीड में निकल जाओगे ना उस गाड़ी पे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई कुछ हुआ या खड्डे थे, क्योंकि उनके जो सस्पेंशन वगैरह होते हैं ना वो बहुत ही ये मतलब इम्पोर्टेड होते हैं, एंड यूं ही नहीं उसी चीज़ का पैसा है इन गाड़ियों में, इसकी वजह से ये गाड़ी जो बोलते हैं ना एडवेंचर वगैरह, तो देखो वो बंदा नॉर्मल जा रहा है, लेकिन वो देखो उसकी स्पीड कैसी है, उसके लिए वो मतलब जस्ट हम जैसे चल रहे हैं वैसे चला रहा है गाड़ी, इसी बात का जो है वो पैसा रहता है। जब भी आप आंबोली घाट वाले रास्ते से आओगे
तो बीच बीच में आपको इस तरह से ऑफ रोड लगेगा और ये रास्ते भी ठीक ठाक है, लेकिन बीच बीच में आपको बहुत ही स्लो होना पड़ेगा, आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगी। सो गाइज पीछे देख सकते हो यहाँ पे सुपर बाइक कौन हुआ है, वेलकम टू गोवा। यहाँ पे देख सकते हो गोवा का बॉर्डर लग चुका है हमें, तो ये है गोवा गाइस, वेलकम टू गोवा। यहाँ पे लाल माटी, देखो गोवा की खासियत, यहाँ पे सारी लाल माटी है। राजीव भाई और ये रुके हुए हैं कुंदन सर हमारे लिए। यहाँ पे पंजी 17 किलोमीटर, मडगांव 50 किलोमीटर, उड़पी 327 किलोमीटर। तो भाई साहब पहुँच चुके हैं गोवा, 17 किलोमीटर है ओनली यहाँ से पंजी। फाइनली गोवा आ चुके हैं एंड इसी वाले एरिया में हमारा होटल है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्कूल वगैरह, ये गोवा और हमारा रिसोर्ट है सारा ग्रुप का, ये है क्या? तो यहाँ पे रिसोर्ट आ चुका, आ जाएगा अभी हमारा 2 मिनट में।